राधे राधे, आप सभी का स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ परफेक्ट दही भल्ले बनाने की रेसिपी, जिससे कि आपके दही भल्ले बिल्कुल हलवाई जैसे सॉफ्ट और परफेक्ट बनेंगे। उसके लिए आपको उसमें ना इनो डालने की ज़रूरत है ना ही खाने का सोडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है छिलका उतरी हुई उड़द की दाल, और उतनी ही मात्रा में लिया है हमने छिलका उतरी हुई मूँग की दाल। दोनों दाल मैंने बराबर बराबर मात्रा में ली है। अब दोनों दालों को मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया है, और जब ये अच्छे से फूल जाएंगे इन्हें अच्छे से वॉश करके एक मिक्सी के जार में डालकर दोनों को एक साथ पीस लेंगे, उसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। उसमें आपको ये ध्यान रखना है पीसते टाइम पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा सा पानी डालना है जिससे कि आपकी दाल आसानी से पीस जाए, और उसका बहुत बारीक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको एक ही साइड को चलाते हुए दाल को खूब अच्छे से फेंट लेना है। याद रखिए आपको इसमें इनो सोडा कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसे फेंटना है। आप जितना इसे फेंटेंगे ये फूलती चली जाएगी और बहुत अच्छी फूल जाएगी, तब तक आपको फेंटना है। और सिर्फ ये भी ध्यान रखना है एक ही साइड चलाते हुए फेंटना है। देखिए ये हमारी दाल फूल चुकी है, और ये बहुत ही अच्छी, देखिए बहुत ही अच्छी इसकी वो हो गई है पेस्ट। अब मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल चढ़ा लिया है। तेल इतना चढ़ाना है जिसमें कि हमारे वड़े अच्छे से डूब जाएं। अब तेल को अच्छे से पका लेंगे। ये देखिए हमारा तेल पक चुका है। जब तेल को स्टार्टिंग में पक जाता है तो उसे गैस बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, हल्का सा ठंडा होने दीजिए, क्योंकि दही भल्ले मीडियम फ्लेम पर पकाने हैं। अब हाथ पे थोड़ा सा पानी लगाइए और इस तरीके से बिल्कुल गोल शेप देते हुए दही भल्ले कढ़ाई में छोड़ दीजिए। याद रखिए आपको दही भल्ले ना ही तो बिल्कुल मंदी आँच पर पकाने हैं और ना ही बहुत तेज पर, ये मीडियम फ्लेम पर ही आपको पकाने हैं। ये देखिए इतना अच्छा फूला हुआ हमारा पेस्ट है कि दही भल्ले बिल्कुल आसानी से गोल शेप में बन जाएंगे। जब आप खाने का सोडा या इनो डाल लेते हैं तो उससे वो चिकनाई ज़्यादा अंदर अपनी ले लेते हैं और हमारे बड़ों का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए हमारे बड़े बहुत ही, इन्हें गोल्डन होने तक पकाना, और ये बहुत ही अच्छे पके हैं। तो चलिए अब एक भगोने में पानी ले लेते हैं, और पानी लेकर उसमें उसे गर्म होने के लिए रख देते हैं। हल्का गुनगुना पानी करना है हमें, उसमें थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अभी हमारा पानी गर्म हो चुका है तो इसमें हम हींग और नमक को अच्छे से घोल देते हैं। अब देखिए हमारा नमक और हींग घुल चुके हैं, तो इसमें हम अपने दही भल्ले डाल देंगे। इन्हें अच्छे से डुबोकर 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम अपनी दही तैयार कर लेते हैं। दही को बिल्कुल बारीक घोट लेना है। ये देखिए दही हमारी बिल्कुल अच्छे से बिल गई है। तो अब हम देखिए दही भल्ले हमारे अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, तो इन्हें ऐसे निचोड़ के इनसे एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत चिकनाई है वो भी निकल जाएगी, और ये हमारे बिल्कुल सॉफ्ट दही भल्ले हो जाएंगे। चाहे तो आप इन्हें दही में डुबो कर रख दीजिए 5-10 मिनट, और चाहे तो साथ के साथ भी खा सकते हैं। अब ये मैंने हरी चटनी ली है, मीठी सौंठ ली है इमली की, भुना हुआ जीरा और दही। अब ये मैं प्लेट लगा रही हूँ। ये देखिए चटनी डालनी है, दही, मीठी सौंठ, भुना हुआ जीरा, नमक, चाट मसाला अगर आपको डालना है तो डाल लीजिए, नहीं तो हमारी मीठी सौंठ और चटनी में भी नमक है तो ज़रूरत भी नहीं है। तो ये लीजिए, ये हमारे प्लेट तैयार है, आप भी बनाइए ट्राई कीजिए।